वे पाकिस्तान के युद्ध के दिन थे, पहले युद्ध में मैं जीवन में पहली बार ब्लैकआउट, खतरे का तनाव, युद्ध की रोंगटे खड़े करने वाली खबरों के बीच से गुजर रहा था। मैं पथरा देने वाला एहसास था कि जो कुछ हो रहा है ये इतिहास के पन्नों या फिल्मों में नहीं, सचमुच हो रहा है, यहीं मेरे आसपास, अभी और इसी वक्त। आम लोगों को देख सुनकर यह विश्वास करना कठिन था कि वह मुर्ग व तीतर ही नहीं, आदमी से आदमी की लड़ाई की बात कर रहे हैं। उनके पीछे देशगत अभिमान, चिंता या पीड़ा नहीं, रेस कोर्स के मैदान में खड़े तमाशबीनों का जोश और उत्साह था, ऐसे जैसे उसका कहीं कुछ भी दाव पर न लगा हो। मेरी ट्रेजेडी यह थी कि युद्ध ने मुझे खामोश और उदास कर रखा था, न तो मेरे मन में तमाशबीनों जैसा जोश और उत्साह था और न रस लेने वाली प्रखरता। अगर ये सब न होता और मेरी जेब में उफनती हुई राष्ट्रीयता और देश प्रेम का झुंझुना होता तो भी काफ़ी होता, लेकिन बदकिस्मती से वह भी नहीं था। आप अगर भारतीय मुसलमान हैं और चाहते हैं कि आपकी बुनियादी ईमानदारी पर शक न किया जाए तो ये झुंझुना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि इसका असर आपके हिंदू दोस्तों के कानों पर नहीं, उनकी ज़बान पर होता है। ग्वालियर आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि पढ़े लिखों में भी आदमी की कौमियत, वल्दियत, जात और क्षेत्र को देखा तथा पूछा जाता है, और कई बार आदमी या उसके साहित्य का मूल्यांकन इन्हीं चश्मों से किया जाता है। साहित्य संबंधी उदाहरण है मेरी कहानी एक कमरे का घर, जिस पर कुछ दिनों तक सांप्रदायिक होने का विवाद चला था और सबसे ज़्यादा बाबेला मचाया था अश्क जैसे लेखक ने। तब मुझे आश्चर्य हुआ था और तकलीफ भी। अब कुछ नहीं होता, याद आती है कि इलाहाबाद की दूसरी यात्रा में अश्क जी ने कहा था, यार तुम तो बड़े तेज निकले, इतने दिनों में तुमने यह भी मालूम नहीं होने दिया कि तुम्हारा असली नाम क्या है, वे तो मुझे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता। पड़ता तो कुछ नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए। आपने पूछा कब, नहीं पूछा होगा, लेकिन तुम तो बता सकते थे, कोई ऐसा जिक्र नहीं आया, फिर ज़रूरत भी क्या थी। मुझे याद नहीं कि उनसे क्या जवाब मिला, आगे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं रही। मैं जानता हूँ कि उनका जवाब सच नहीं था, और जो सच था उसे अश्क या उनके हम ख्याल लोग प्रगतिशीलता की ओट में छिपाते हैं। संघर्ष एक ऐसा चपटा, चालू और घिसा हुआ शब्द है रंडे की तरह, कि अपने संदर्भ में इसका उपयोग करते हुए मुझे हमेशा हिचक और शर्म सी महसूस होती है। संघर्ष कौन नहीं करता, जीते रहने का दूसरा नाम भी शायद यही है, लेकिन हाँ, बदकिस्मती से एक लेखक पर इसकी मार दोहरी जरूर होती है। व्यक्ति की तरह जीवित रहने का संघर्ष वह आम आदमियों की तरह तो करता ही है, अब वह रोजाना अखबार की सुर्खियों में समस्याएं उठाकर लिखने वाला हंसी मजाक का लेखक या चुटकुलेबाज नहीं है तो लेखक अपने आप में एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। जिस दिन यह संघर्ष खत्म होता है लेखक मर जाता है। आज से 7 साल पहले ग्वालियर से भोपाल आकर जब मैंने सुकून की सांस ली थी तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं 10 बरस पुरानी नौकरी छोड़ दूंगा, एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत के लिए, और न साल भर पहले वापस भोपाल लौटते हुए मुझे यह पता था कि संघर्षों की वह बिल्कुल नई शुरुआत है। मैंने स्वतंत्र लेखक की तरह जीना चाहा था, वह मुझसे नहीं चला। नौकरी से बचने के लिए मैंने प्रकाशन का काम शुरू किया था। 6 माह के भीतर मेरी सांस उखड़ गई और मैं पटरियों पर आ गया। दरअसल ये सारा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी होता है, आपके व्यक्ति और लेखक का संघर्ष, जिसमें एक दूसरे को भी जाना जाता है। सरस्वती के उपासक और साहित्य के साधक कलाकारों की नहीं, अपनी कहता हूँ कि मेरी ट्रेजेडी एक औसत भारतीय लेखक की ट्रेजेडी थी। मैं अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहता था, और यह भी नहीं चाहता था कि लेखक ना रहूँ, बस तकलीफ़ इतनी सी थी और आज भी है। 17 वर्ष की उम्र की किरानीगिरी से लेकर आज 38 की अवस्था में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद के
सचिव के पद तक की यात्रा कड़वे तीखे अनुभवों की यात्रा तो है ही, दिलचस्प भी है। इसी तरह के स्थानीय पत्र में प्रकाशित पहली कहानी से लेकर 8-10 पुस्तकों के लेखक बन जाने या अपने उपन्यास काला जल के सोवियत रूस में प्रकाशन तक का रास्ता सीधा सपाट नहीं था। इसमें अनेक भटकने वाले मोड़ आए और कई अंधी गलियों से मुझे गुजरना पड़ा। चूंकि ये हर लेखक की अनिवार्य नियति है, लिहाजा मैं नहीं जानता कि वह कितनी नई होगी, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल मेरे अपने हैं। वैसे वह सिर्फ मेरे लिए ही हों। मेरी अब तक की जिंदगी संवेदना और व्यवहारिक सूझबूझ के स्तर पर झूलों, तजनी तकलीफ़ों और फिर भूलों को बार बार दोहराने का इतिहास रही है। मैंने बहुत से सही काम गलत वक्त पर, गलत काम सही वक्त पर किए और पछताता रहा। शायद मेरी ज़िंदगी का शिराजा बिखरे उस किताब की तरह रही है जिसके पन्ने जल्दसाज की भूल से गलत सलत बन गए हों। इस किताब का पहला पन्ना 50वें पृष्ठ से शुरू होता है और आरंभिक पृष्ठ कहीं बीच में चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने बहुत से शरीफ शहरियों और लेखक मित्रों की तरह पहले पढ़ाई की होती, फिर अच्छी नौकरी, फिर लेखकी, फिर प्रेम, फिर शादी और फिर लेखकी को वसूल करता हुआ धीरे धीरे बूढ़ा होता। ऐसा कभी नहीं होता कि पढ़ाई के दिनों में नौकरी की होती, नौकरी के दिनों में पढ़ाई, पहले लेखक बना होता और बाद में अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दिया होता, या पहले शादी की होती और बाद में प्रेम। ये बेराह भी कुछ तो हालात के देन हैं और कुछ मेरी अपनी, जिसके तहत मैंने कई नौकरियां की, छोड़ी और फिर कर ली। पहले अभाव, फिर घोर मुफलिसी, फिर नवाबों जैसी अय्याशी और फिर मुफलिसी में मैंने ऐसे दिलचस्प उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब आने वाले कल से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। गर्दिश कुछ तो हालात के होते हैं और कुछ अपने पैदा किए हुए हैं। मेरी ज़्यादातर गर्दिश अपनी ही पैदावार थी, क्योंकि मेरा दोष सिर्फ यही है कि मैं लेखक था और लेखक ही बने रहना चाहता हूँ। व्यक्ति और लेखक का यह आंतरिक संघर्ष आज भी बना हुआ है। मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि पिछले सब कुछ को भूल कर फिर एक शुरुआत करूँ, लेकिन बकौल गालिब, रौमे है रक्षे उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे हैं न पाँ है रकाब में।